हमारे पिशावर शहर का जो किला है बाला हिसार यानी वो किला जो बुलंदी पर हो, हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं, नीचे ट्रैफिक है और मेरे दिल में अपने वतन की और अपनी जाय पैदाइश की एक धड़कन है। ये शहर बहुत सी यादों का ये आमादगा है, बचपन से छोटे लड़कपन से लेकर और आज तक की एक दास्तान उसमें मौजूद है और एक तरह से मेरी जिंदगी की दास्तान भी इसी किले से वाबस्ता है। दिलीप कुमार और सारा बानू को फ्रंटियर कोर की जानिब से एक सोवेनियर भी पेश किया गया। कला बाला हिसार के बाद दिलीप कुमार की मंजिल किस्सा खानी बाजार में वाकई उनका अपना घर था, जो मोहल्ला खुदादाद में आज भी उनका मुंतजर है। किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि दिलीप कुमार किस्सा खानी बाजार कब आएंगे, लेकिन न जाने कैसे उनके आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। और जब उनकी कार किस्सा खानी बाजार पहुंची तो सिक्योरिटी के इंतजाम के बावजूद आशिकाने यूसुफ खान का रास्ता नहीं रोका जा सका। इंसानों का सैलाब था जो रोके से नहीं रुक सकता था, लिहाजा यूसुफ खान और सायरा बानो खान को नाकाम वापस लौटना पड़ा। हम उसमें आगे जाते तो बहुत तकलीफ का बायस होते, खासतौर से वो लोग जो मुंतजमीन थे और वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बन जाता, इसलिए हम लोग वहां से लौट आए। लेकिन मुझे यकीन है कि घर तो वहीं है और मोहल्ला भी वहीं है अपनी जगह पर। अब मोहल्ला के घर में मोहम्मद बादशाह का एक छोटा सा खानदान आबाद है जिस घर का मुहाफिज है। 67 से ऊन तक मैं इतना रहना हूँ, यही इसी तरह में दलीप साहब के वालिद का कार आया, वालिद साहब ने फिर रहने दिता रहने, फिर के नाम उसे बाद जाने के बाद मेरा वाले हो है, मेरे जाने के बाद पता नहीं किस तरह वाले उसे फजाल पड़े, मेरे तो नदीना औलाद नहीं थी। यूसुफ खान अपने खादीदा बचपन की यादों के साथ वापस इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद वापसी पर इंडियन हाई कमिश्नर और उनकी मिसेज ने दिलीप कुमार और सारा बानो के एजाज में ऑल टाइम in acting. He's acted, I think, in some 60 films and still going strong. But what impressed me more was the totality of his personality. He is not just a great actor, but he is a great philanthropist as well. Islamabad ke pur bahar mausam mein Saira Banu Khan ne Blue Area ke mukhtalif shopping centers mein thodi bahut shopping ki, लेकिन ज्यादातर वो अपने परिस्तारों के दरमियान ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ सेशन में मसरूफ दिखाई दी। तो आप हमें ये बताएंगे कि किस तरह इस कशीदगी को किस इन जराए से दूर किया जा सकता है कि दोनों एक अच्छे हमसाये ममालिक की तरह रहें? क्या वो हमारी इस कल्चरल गुफ्तगू का मौजूद सुखन बन सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। थैंक यू। मुंबई रवानगी से पहले एक मुकालमा भी हुआ, आइए सुनते हैं। इस तमाम सफर में आपको वो कौन सी बातें ऐसी लगी कि जो आपका दिल चाहता है कि आप दुनिया के लोगों को बताएं? अपने आप को मैं बड़ा खुश नसीब तसव्वुर करता हूँ। दिस इज एन ऑनर फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द पीपल इन आवर इंडस्ट्री एंड देयरफॉर इन ए वे एन ऑनर टू आवर कल्चरल डेवलपमेंट। And if I may add to the people of the country and to its leaders, that I am across the border acknowledged as a man of such distinctive merit, this is an honor to all of us. And it's an honor to people of Pakistan and to Peshawar and Mahalla Khudadad. आपकी मुलाकात पाकिस्तान के वजीर आजम से भी हुई, लेकिन वो मुलाकात टेलीविजन पे कहीं नहीं दिखाई गई। एक और जरूरी बात है कि वो
प्राइम मिनिस्टर से जिसकी मुलाकात हुई वो टेलीविजन में आपको सबको दिखाई दे, फिर आप उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की हाशिया आरई करेंगे। अच्छा है कि सब चीजें दिखाई नहीं दी, आप थोड़े से परेशान हो जाए कि आपको पता नहीं चला इस बात का, तो मुझे इसमें भी मजा आएगा कि आपको सब कुछ पता नहीं। क्या आपको निशान इम्तियाज मिलने के बारे में पहले से इत्तला थी? जी हाँ, ऐसा तो थोड़ी होता कि बुला के कहेंगे कि आइए भाई हलवा मांडा आपके लिए तैयार किया और दे देंगे निशान इम्तियाज। निशान इम्तियाज बड़े मर्तबे का एक अवार्ड है, उसके मुतालिक दस्तूर होते हैं, सर्टन प्रोटोकॉल्स, वो सारे ऑब्जर्व किए गए, मुझसे पूछा गया। मैंने कहा मेरे लिए बायस इफ्तिखार होगा अगर वो अवार्ड मुझे मिले। जिस तरह खुदा अपने बंदों से मोहब्बत करता है, क्या इतनी ही गहरी मोहब्बत आपने किसी बंदे से की? पूछना क्या चाहते हैं, आपका मतलब क्या है? वो बात जो आप मेरे अंदर की दरियाफ्त करना चाहते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपकी जिंदगी में वो कौन सी खूबसूरत चीज है जिससे आप आज भी मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत तर्क की मैंने गरीबा से लिया, मैं मोहब्बत तर्क की मैंने गरीबा से लिया, मैंने जमाने अब तो खुश हो जहर ये भी पी लिया मैंने।